वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इब्रार और आज हम आपको दिखाएंगे करोला। और करोला ये 2004 मॉडल है, फुली रिस्टोर्ड हुई है और इंटीरियर आउटर ईच इन एवरीथिंग सारा रिस्टोर हुआ है। तो आज हम दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं, साथ में आपको इसकी एस्टिमेटेड प्राइस भी बता दूंगा जितना इस पर पैसे लग चुके हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बॉयज, अभी हम आपको दिखा रहे हैं टोयोटा करोला 2004 मॉडल और ये सिंपल एक्सएलआई वेरिएंट है और इसको कन्वर्ट किया गया जीएलआई पे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। इसके ईच इन एवरीथिंग रीपेंट भी हुई हुई है, ठीक है ना, पार्ट्स भी सारे चेंज हैं। तो मैं आपको सारे बताता हूँ, ये जैपनीज पार्ट्स इसके इंस्टॉल किए गए हैं, ऑनर जो है उसने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है और ये गाड़ी तैयार हुई है स्मार्ट सर्विसेज पे। आपको यहाँ पे देखकर आइडिया हो जाएगा। फ्रंट से अगर शुरू करें, फ्रंट पे आप लाइट सबसे पहले देख लें। लाइट्स इसकी चेंज की गई हैं, जैपनीज करोला की लाइट्स इंस्टॉल हैं। मैं जैपनीज़ बार बार बोलूँगा क्योंकि इसमें जैपनीज पार्ट्स काफ़ी हैं। ग्रिल भी एक इंस्टॉल की है। नीचे अगर आप बम्पर देख लें, मैं ज़रा इस साइड से दिखाता हूँ, ये बम्पर भी जैपनीज़ गाड़ी का ही इंस्टॉल किया है, साथ में फॉग लाइट है इसके अंदर। और नीचे आप लिप देख रहे हैं, ये सारी जैपनीज़ बॉडी किट है। साइड स्कर्ट्स भी इसके इसी के साथ ही हैं, ये देखें जी। और इस साइड से अगर देख लें, ये रिवर्स लिप स्पॉइलर, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर इसकी ब्रेक लाइट्स देख लें, ये भी चेंज की हैं। ये सारी काबली डाली हैं, आपको थोड़ा बहुत स्क्रैच देखेंगे या ऐसा कुछ, ये क्या कहते हैं, ब्रांड न्यू नहीं है। तो ये काबली पार्ट्स हैं सारे। नीचे की तरफ बम्पर देख लें, बम्पर भी पूरी किट जिस तरह आपको लग रहा है ना, स्पोर्ट्स लग रही है, थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है और नो डाउट बहुत प्यारी लग रही है। अभी आप पेंट क्वालिटी देख लें, पेंट भी काफ़ी अच्छा किया गया। अच्छा, इंटीरियर पर अगर नज़र मारें, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि इंटीरियर में डोर कार्ड्स, डैशबोर्ड, सीट्स सब कुछ चेंज है और छत तक भी चेंज है। मैं आपको सारा बताता हूँ। आपको जैसा मैं शुरू में बता दिया, ये एक्सएलआई है और एक्सएलआई में पावर विंडो नहीं आती, वो हाथ से करने वाला सीन है। इसमें जैपनी सारा ये पैनल डाला है, ठीक है ना, पूरा का पूरा चेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद सीट्स अगर देख लें, ये जैपनीज गाड़ी की ही सीट है और ये ब्रांड न्यू सारी डाली हैं, ये पोशिश नहीं हुई हुई, सारी की सारी सीट्स चेंज की गई हैं, ईच इन एवरीथिंग, ठीक है ना। अब मैं अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख लें, ये एक आफ्टर मार्केट है अल्टिस, करोला अल्टिस का लगाया हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा है क्रोम का। और स्टेयरिंग अगर देख लें, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग लगाया, डैशबोर्ड भी जैपनीज़ का ही है और मीटर अगर आप देख लें, मीटर भी जैपनीज़ का ही इंस्टॉल किया। नेविगेशन बार लगी हुई इसके अंदर, नेविगेशन पैनल जो है, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, 13 cc है, ये एक्सएलआई जैसा आपको पता ही है। और ये रिटेक्टेबल मिरर्स के बटन्स। उसके बाद ऊपर छत पे देख लें, छत भी पूरी की पूरी चेंज की है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी वेरिएंट के अंदर इस तरह के कोई फीचर्स नहीं आते, ठीक है ना। ये सारा चेंज की, ये छत की आप लाइटें देखें, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। पिछली साइड्स अगर देख लें, पिछली साइड्स काफ़ी ज़बरदस्त लग रही हैं, ये देखें जी, ये सारी जैपनीज। नीचे फर्श देखें कितना सफाई से किया हुआ है, ये देखें, सारे कारपेटिंग नई की है, सारा कुछ, ये सारी की सारे जो इंटीरियर चेंज हुआ है ना, ये सारा जैपनीज का डाला है। आप यहाँ पे इसके क्रोम के हैंडल्स देख सकते हैं, ये कोई भी चाइना का पार्ट नहीं लगा हुआ, सारे आफ्टर मार्केट और काबली पार्ट्स डले हैं, ठीक हो गया। ये देखें जी, इस गाड़ी की जो बहुत बुरी हालत थी जब ये आई थी, और इसको टाइम लगा कि 6 से 7 महीने, क्योंकि गाड़ी पूरी गंजी की हुई थी, पूरी खोली हुई थी, इसका काम चल रहा था और सामान ढूंढा हमने, मैंने नहीं, खैर वर्षा वालों ने और ऑनर ने भी कुछ ढूंढ के दिया, पेशावर से, सुल्तान का खूह, मतलब कि जगह जगह से इसके पार्ट्स कलेक्ट करके फिर इसको तैयार किया। और मैं भी हर बार कहता हूँ कि एक ही जगह से इसके पार्ट्स नहीं मिलते, आपको हंटिंग करनी पड़ती है। तो खैर मिल गया हमें सामान और लगाया गाड़ी पे, पेंट वर्क भी देख सकते हैं, अभी पॉलिश नहीं, कंपाउंडिंग नहीं हुई हुई, अभी फ्रेश ही पेंट होके बाहर आई है। मैंने कहा सबसे पहले बनानी है इसकी वीडियो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो कॉस्टिंग की अगर बात कर लीजिए ना, कॉस्टिंग इस पर अराउंड 7 लाख लग चुका है और वो भी मैंने रफली बताया, जिसमें अभी मैकेनिकल वर्क नहीं ऐड, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ऐड नहीं है। महंगाई बहुत होगी है, यस आप कहेंगे 7 लाख में तो गाड़ी आ जाती थी, अब नहीं आती। अब ये गाड़ी की वर्थ भी बहुत ज़्यादा है और 7 लाख रुपया जिस हालत में थी ना, उस हालत में लगना ही था। खैर ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर
कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और प्लीज़ जब भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो आप अपनी वजह लिखा करें कि हाँ भी मैं इसलिए काम, मुझे ये काम आपसे, ठीक है। आप हेलो कह लिख देते हैं, ही लिख देते हैं, तो फिर इस तरह ना तंग करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आप काम की बात बोलेंगे इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये सीन है, अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, कोई भी बात बुरी लगे या गलत लगे माजत है। और अगर आपने भी गाड़ी रिस्टोर करानी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, आप स्मार्ट सर्विसेज आएँ और अपनी गाड़ी तैयार करवाएँ। हाईली रिकमेंड। जजाकल्ला और अल्लाह हाफिज़।